राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी ठीक होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरिंदपाल व्लॉग में। तो इस सुबह के ना 9 बज चुके हैं और इधर कमरे में बैठे हुए डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या बनेगा क्या नहीं। खाने बनाने की चल रही तैयारी और अभी तक बस यही हो रहा कि रायता तो पक्का है बनेगा, लेकिन दूसरी सब्जी क्या बनेगी? कद्दू बहुत लग रही, कद्दू बना लो और तोरी बना दो, चावल हो जाएंगे। ठीक है, बढ़िया होगा, बिल्कुल मिक्स रेंज बन जाएगी। ग्रीन कद्दू भी है, व्हाइट कद्दू भी है, दोनों तरह के हो जाते हैं। ग्रीन भी आ गया, ग्रीन भी आ रहा। चलो बढ़िया बात है, ग्रीन हमने सिर्फ एक बनाया है अब तक, और इसमें दूसरे नंबर का आया जो उसको दान करा था मंदिर में। अच्छा, वो जो दान करा था उस पर एक जो दान कर दिया, वो फिर दोबारा नहीं आया, तो ये दूसरा आया, जो दूसरा है अब दोबारा आया, और एक बनाया था दूसरी वाली बेल का। कितने दिनों बाद आया? 6 महीने बाद आया दूसरा। पहले कद्दू से 6 महीने बाद दूसरा कद्दू आया उस पर। जो हमने उसका बनाया था पेठा पूरी, उस दिन तो वो आ रहा था, उस वाली बेल का भी दूसरा कद्दू आ रहा, इतना बड़ा हो रहा। और वो मैंने कई दिन तक लगातार कहती रही, मैं कैसे तोड़ लो, इधर तोड़ लो। और देख खुशी की बात, एक हफ्ते बाद करवा चौथ के आसपास ना हमारा वो पालक और गोभी बढ़िया तैयार हो जाएंगे। तो पालक तो हम दीपावली के आसपास बना लेंगे, लेकिन गोभी बनाएगी हमारे किचन गार्डन की करवा चौथ पर। पहले हो गए, मैंने देख लिया, इतने हो जाएंगे इतने। चलो भाई डिस्कशन। तो हो गया फैसला, सब्जी बढ़ेगी पेठा कद्दू की और रायता, लौकी का चावल और रोटी। तो फ्रेंड्स, खाने में डिसाइड होगा क्या बनेगा, और ये भी डिसाइड होगा कहाँ बनेगा, कहाँ से मतलब हमारे दो घर हो गए, एक में से एक ये है और एक दूसरा है जो पहले हमारा घेर था। तो आज का खाना बनेगा घेर में, और भैया भाभी और बच्चे सारे गए हुए घेर में, और खाने बनाने का सामान भी रेड़े में रखकर सब वहीं पहुँचा दिया। और दशहरा की पूजा, दशहरा विजयदशमी की पूजा भी आज वहीं होगी, लेकिन यहाँ के भी काम बहुत सारे थे, काम निपटाने शुरू कर दिए प्रीति ने। यहाँ पे सबसे पहले तो क्या किया, कपड़े धो दिए और कपड़े फैलाने शुरू कर दिए। बना लिया था सर वहाँ? हाँ, पूजा की तैयारी है। पूजा की तैयारी हो गई। चलो बस ना के चलूँ मैं भी। और इधर प्रीति ने एक तो झाड़ू पोछा तो कर ही लिया भाई, साफ सफाई का काम निपटा दिया कमरों में, किचन में, सब जगह, और कपड़े धो दिए, कपड़े फैलाने जा रही है। ये बड़ा सेटअप है हमारे, रोज भर जाए इतने सारे कपड़े धोए, कल भी इतने धोए थे, कल तो बस उसाड़ नहीं आ रहे, कल तो दो गठरी कपड़े धोए थे, लेकिन आज फिर भी चलो फुर्सत है, थोड़े ही धोए। पर कल हमने ये करा, सुबह दोपहर का खाना बच रहा था, शाम के टाइम खाना नहीं बनाया, तो फिर कपड़े तय बना कर सारे रख दिए, बस प्रेस प्रेस के रह गए सारे कपड़े, और तो बाकी तो सारा कल ही कर दिया था। तो चलो तुम इतने ये कपड़े फैलाओ और मैं नहा लूं, तुम नहा लिए थे? हां जी। और फिर चलते हैं घेर में, पूजा में शामिल होंगे हम भी। तो फ्रेंड्स, घर के काम निपटा लिए और चलिए मैं और प्रीति भी शामिल होते हैं पूजा में। और दशहरा पे शस्त्र पूजन हुआ है, लेकिन शस्त्र तो हमारे कुछ नहीं, किताब कॉपी कलम ही हमारे अस्त्र और शस्त्र हैं। तो हमने पूजा करने के लिए ये भी ले लिए, और पूजा की सारी सामग्री, सारा सामान जा चुका पहले ही, बस हमारे जगह की कमी है। और ये जो डंडा हमने ये लगा रखा ना, ये लगा रखा है इस कांड की वजह से, ये घर में घुस जाओ हमारे निकलते ही। हेलो, हाउ आर यू? इसकी वजह से हमें बैरिकेडिंग के नीचे से उभारना पड़ा है, कभी ये घुस जाए। पूजा हमने कर ली है दशहरे की, यहाँ पे सब बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने परिक्रमा जल से कर दी। तो पूजा करके यहाँ से प्रसाद प्रसाद भाई को खिला देंगे, और अब बच्चे नोड़ते रखेंगे, और उसी ने देखो नोड़ते तैयार कर लिए, और उसकी कान पर रखेंगे ना। हाँ, भैया के रख रहे हैं सबके, नहीं और उस भैया के रखिए, फिर और उस भैया पैसे देंगे आपको। और अब खाने बनाने की तैयारी होगी भाई, खाना तो शुरू बन भी रहा, वैसे रायता बन रहा, चावल बन गए, रायते में लगाओगे तड़का। दशहरा पूज के खाना खाना शुरू कर दिया भाई, और चचेरी बैठे हैं, बच्चे हैं, दाल चावल मिठाई और रायता रोटी ये सब है आज लंच में। और माँ जी तो चार पाई भी बैठ के खा रही, और उसको भी खिलाऊंगा अभी, और उस दूर लेट रहा खाने का नहीं, तो चल दावत में ले चलो मैं तुझे आज, आज इससे दावत में लेके चलो मैं, इससे पता चल जाएगा हलवा मिलेगा वहाँ से, हलवा हलवा तो ऐसा पसंद है, और रोटियां गरम गरम मन का आ रही भाई इधर से। सारे बच्चे मम्मी गर्मी, गर्मी का क्या मतलब? चावल तो बढ़िया है, खुशबूदार है, खुशबू आ रही चावल की तो
सारी चीजों में आ रही है खुशबू आ खुशबू। तो गर्मा गर्म खाना चल रहा भाई, गर्मा गर्म। हरुस दावत में चला गया, यही खाओगे दावत? आ चल खड़ा होता हूँ चलना। हाँ ये बाइक ले लेंगे घर से, अड्डे पे ही है। हाँ थोड़ी दूर है बस, चलो चलो चलो। तो फ्रेंड्स अब दशहरा पूजने के बाद खाना खाने के बाद नोरते रखने की तैयारी है, और नोरते रखने शुरू कर दिए। और उसका तो रख दिए सारी बहनों ने, पैसे दे दिए भाई सबको, अभी तो खुद ही घर में ले रहा पैसे की, खुलवा के देगा मुझे छुट्टे छुट्टा करवा के तब दे मैं सबको। अरे दे तो दिए, दस बीस रुपए दे दिए भाई, ज्यादा नहीं बस। अरे इतने पैसे नहीं दे करते, थोड़े ही दे दे बस, सौ कठा लिया ने तो। तो फ्रेंड्स विजयदशमी का दिन है और शाम का टाइम है, भैया बच्चे नुकर दे रावण दिखा दे लाओ। तो मेला भरा है हमारे यहाँ पास के कस्बे में, बच्चों को लेके चल रहे और रावण दहन दिखा के लाओगे, मेला दिखा के लाओगे। और नंदिनी कह रही मेरे कपड़े बदल दो, देखो रो भी रही माँ, यहाँ है क्या बाहर कपड़े उसके? नंदिनी को भी ले लो भाई, रो रही। एक आधा बच्चा पीछे, ठीक है भाई आ जाओ, एक आधा बच्चा पीछे आ जाओ इस पे, और एक आधा चले जाओ अंकित के पास। नंदू भी वहीं जाली, नंदू भी, नंदू तो अपने भैया के साथ ही बैठे ये लो। तो वहाँ जा रहा इस पे ज्यादा हो जाएंगे, वहाँ से चल अच्छा मेरे साथ आ। दो बच्चे भैया के साथ हो लो और दो बच्चे मेरे साथ हो लो, साथ साथ चलेंगे, इनके साथ ही चलेंगे, चलो इस पे चलेंगे। नहीं चीटिंग नहीं करने के। तो फ्रेंड्स शाम के 5:30 बज चुके हैं, घर के सारे काम फिर से कंप्लीट करके आगे घेर में, इधर जो है सुबह दशहरा पूजा था ना, अब ये उपले को उसमें ग्यास ग्यास पे जो है जलाए जाएंगे, जब ग्यास पूजेगी यानी देव उठान एकादशी को, और इन्हें अब संगवाग रख देगी दीदी, ये सूख जावे दीवार पर रखो जहाँ जब बच्चे ना छेड़े, चिड़िया खोद गिरेगी और यहाँ बच्चे ना फोड़ दे, हाँ इस वाली पर रख दो। चलो और डिस्कशन चल रहा कि क्या बने शाम के खाने में, एक तो पेठा कद्दू है और तुरई है। तो बच्चे जो चले गए हैं दशहरा का मेला देखने के लिए सारे के सारे, पर गुड्डू है उसकी क्लास है तो उन्होंने मना कर दी, इनको मेरे लिए तो यही ले आइए जो लाओगे जो जी करेगा। और इधर ये सोच रहे कि तुरई बना ले क्योंकि 2-3 सदस्यों की दावत है, पास में ही ना सगाई है थी किसी की, रोकना कह दे लड़के पड़ोसियों का, तो 2-3 जनों की दावत वहां पर होगी, हम बच्चे 2-3 जने। अब हम ये सोच रहे हम तो तुरई खा लेंगे उसके साथ ही रोटी खा लेंगे। तो सबसे पहले तो किचन गार्डन से अपने तुरई तोड़ लेंगे और उसके बाद बनाते हैं यहीं पे, क्योंकि सारा सामान यहीं रखा है सुबह का, और सोच रहे कि यही बना ले 2-4 दिन रोटी, वो मासा पूरा हो जाएगा बच्चों का भी और अपना भी। इधर वैसे खाना बनाएगा नया का एक फायदा रहे है, उधर साफ सुथरा पड़ा रहे है। आज कुछ ही काम नहीं, पहला बच्चा ये बढ़ाई थी उसके बर्तन थे, पर एक नुकसान भी है, कई सदस्यों को भूख लगी तो यही आड़ा पड़ा खाना। आज शाम के दिन मुझे भूख लगी, मुझे 5 बजे जरूर भूख लगा क्योंकि फिर मैं शाम के टाइम खाना नहीं खाती, रात के टाइम मतलब 7-8 बजे डिनर नहीं करती मैं 4 या 5 बजे के बीच में खाती, फिर मुझे खाना खाने के लिए यही आना पड़ा। चिंकी मांग लेकर आई थी यहाँ से, क्या हम लेके नहीं जाते, गए थे मतलब यही रखी रहा था, शाम को यही बना लेंगे जो सामान है, बर्तन बर्तन ही तो है, बर्तन भी हमने इतने ला रखे, बस बड़े बड़े कुकर पतीली ला रखे, बाकी तो सारे वही पे है, और जो थाली सी है ना मैं खानों वाली पे ला रखी, 4 खानों वाली थाली, तो उसी में खा ला है सब सब्जी रोटी लेके। तो ये देखो ये संवाद है इधर से, और चलो देखते है चूल्हा जलावेंगे या गैस पे बनाओगे। तो फ्रेंड्स आज दोपहर ना लौकी का रायता ना बना के पेठा कद्दू का रायता बनाया था तोड़ के किचन गार्डन से, और बहुत टेस्टी लगा खाने में, ऐसा लगा नहीं कि कद्दू का रायता आज अलग ही स्वाद है। तो जो ये बच रहा है इसकी सब्जी अब बना लेंगे। फ्रेंड्स इधर जो है सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है, देखिए पेठा कद्दू की सब्जी, और इधर जो है गेस्ट भी आ गए कुछ, तो हम दूध ले आई, मैं चीनी पत्ती ले आई, चाय बनने के लिए रख दी साथ के साथ, और ये बोल देगी जा रहे हैं लगे वही रुझना सो जा, क्या बात हकीकत है आज इधर सुनसान पड़ा और यहाँ अच्छी खासी रौनक हो रही क्योंकि सारे यहीं सी है, बच्चे भी यहीं पाओगे सारे के सारे। पहले तो इन्हें चाय सर्व करके लेंगे और उसके बाद रोटियां सेकेंगे, और चाय हमारी पक चुकी है, और जो हमारे गेस्ट है ना वे तेज पत्ती की चाय पीना ज्यादा पसंद करे। फ्रेंड्स आगे मेले की भीड़ दिखाई देगी, और अपनी बाइक हमने यहाँ पर पार्क कर दी, रोड किनारे ही कर दी रोड साइड में से, तो अंकित ने इधर कर दी और इधर मैंने, और बच्चों का हाथ पकड़ना भाई, चलो एक हाथ देखा तू पकड़ ले, एक हाथ देखा मैं पकड़ू, आओ बच्चों
चलो चलो पहले हम बाद में खिलाऊंगा, पहले रावण देखो, मेरा देखो। आओ नंदू, चिंकी इसका हाथ पकड़ा उसका। हाँ ऐसे चलो, एक एक बच्चे का हाथ पकड़ गया साइड में रही। और इस बार के मेले में भीड़ कुछ कम है, प्रशासन की व्यवस्था भी बढ़िया है, देखो पुलिस तैनात है, चाक चौबंद बढ़िया है। चलो थोड़ा सा भीड़ में अंदर चलते हुए, सही कह रही चिंकी। अभी तो यहाँ सीता हरण ही हो रहा, अभी तो रावण मार पीट करके घर से निकाल दिया। सुग्रीव को भगवान राम भेजते कि तुम जाओ और उससे युद्ध करो। सुग्रीव को जंपिंग जपाक में कूद के देखो कितना पसीना आ गया। जंपिंग जपाक में कल कूदते थे यार, आज फिर कूदे बच्चे, मजा आया आज। एक बार तो अकेले भी कूदे थे, चलो कुछ और खेले कूदेंगे, हम दूसरी चीज खेले कूदेंगे। आ जाओ रामलीला भी तो देख लो थोड़ी सी। हाँ जी रावण दहन होने वाला है, ये इधर मंच है, रामलीला का मंच है यहाँ पे। रावण ने जो भगवान राम के द्वारा मारे गए वे सीधे स्वर्ग को गए हैं, अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को इन्होंने मरवा दिया और अभी रावण शेष है, अब रावण का युद्ध होगा आगे के इस कार्यक्रम के अंदर। और रावण भी चलो भाई पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म।
बच्चे मेरा देख के वापस आ गए देखो, और नंदनी लाई है फोन, और अपने फोन का गाना सुना के दिखा रही, देखो अपने फोन तो ये भी बना देगी वीडियो कैसे। हेलो फ्रेंड्स, इतने सारे बटन हैं, और बच्चे ये क्या लाए, लेजर लाइट लाए, आंखों पर लगाइए भाई से, दीवार पर लगानी है बस, और खा पी के ये सारे तो मौसमी का जूस पी के जब आए। मैं खाऊंगी खाना, क्योंकि मैंने मौसमी का जूस नहीं पिया। झूठ ना बोलना, तुमने कहा था मुझे कि एक घूंट मौसमी का पीऊं। अच्छा बच्चे, अब खाना वाना भी मुझे लग रहा कम ही खाओगे, क्योंकि ये भाई कुछ खा पी के आ गए मेरे में, आइसक्रीम खवा दी थी इन्हें, और यहाँ इंतजार कर रहे के रोटी बनाओगे और बच्चे रोटी खाओगे, लेकिन बच्चे तो कह रहे हम छक गए, बस अपने जो की बना के तक नहीं खाएंगे और हम भी नहीं खाएंगे।